यानी कि 4 दिन बाद भेजना, उसी है। दौरान उनके थन में डिफेक्ट आ गया, वो भैंस मैंने यहाँ रख ली, पेमेंट उनकी जो है वापस कर दी गई। भैंस लोकल के एरिया से खरीदी हुई है, नया बंदा तो जो पहली बार ले रहा है भैंस, खास तौर पे आए टैग सर्च कर लो, ऐप आती है मैं बता दूंगा सारी डिटेल इसकी मिल जाएगी भाई। ठीक है, कौन से ब्यांत की है? ब्यांत भाई बताने को ये दूसरे में भी चलती है, पर जो ओरिजिनल थर्ड टाइमर है। हाँ जी, घर की कोई गारंटी नहीं, मैं दो भैंस दिखा देता हूँ आपको, ये अगर नेटवर्क नहीं आ रहा है, किसी के नेटवर्क में प्रॉब्लम है, हाँ तो भाई वो भैंस में भी प्रॉब्लम है, मत खरीदना। सही। नमस्कार सभी पशुपालक भाइयों को, मनीष तरड़ की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, स्वागत करता हूँ आपका। और जो पशुपालक भाई आज हमारी इस वीडियो को पहली बार देख पा रहे हैं, वो आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पास लगे बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें, ताकि आने वाली सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज की जो ये वीडियो कवर करने के लिए पहुंचे हैं बजाज डेयरी फार्म पर, आगे की जो जानकारी है वो लेंगे भाई साहब के साथ। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, बजाज डेयरी फार्म में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। सबसे पहले अपना नाम और यहाँ का एड्रेस बताएं। नाम है विक्की बजाज, एड्रेस राजस्थान में जिला श्री गंगानगर, तहसील रायसिंह नगर, गंगानगर से 75 किलोमीटर की दूरी। और अपने मोबाइल नंबर 94-601-20-802। और आज की वीडियो में कितनी है भैंसे बिक्री के लिए अवेलेबल? भैंसे अपने पास खड़ी है 15-16। ठीक है, आज की वीडियो में कितनी भैंसे दिखा रहे हो? दिखा देंगे भाई 7-8-10 दिखा देना। ठीक है, और स्टार्टिंग प्राइस? स्टार्टिंग प्राइस है 78,000 रुपये। ठीक है, 78,000 78,000 रुपये से शुरुआत है। और आई एस 1,30,000। ठीक है, सबसे पहले नंबर पर जो ये जोटी दिखा रहे हो इसके बारे में बताएं डिटेल से। हाइट लेंथ फुल बड़ी है, छोटी हाइट की नहीं है, पहले तो सबसे बड़ी बात ये बता दूं। हाँ जी, बिल्कुल छोटा गोल रिंग सींग है। कौन से ब्यांत की है? ब्यांत भाई बताने को ये दूसरे में भी चलती है, पर जो ओरिजिनल थर्ड टाइमर है, तीसरी बार बच्चा देगी। ठीक है, तीसरी बार ब्याने वाली है। हाँ जी, फुल हाइट लेंथ की है और टीट क्वालिटी अच्छी है, जेड ब्लैक जोटी है। ठीक है, अभी कितने दिन का समय बाकी? अभी तारीख नोट नहीं है, अंदाजा है जी 15 दिन अभी भी ले जाएगी शायद। ठीक है, 15 दिन का समय बाकी। और दूध ये कितना तक दे देगी? दूध जी दूसरी ब्यांत में 17 लीटर दूध बताया किसान ने निकाला हुआ है। ठीक अभी है, तीसरी बार बच्चा देगी। और देखो भाई वो मौके की बात रहती है, पशु सुख शांति से ब्याजे 17 दे 18 दे 20 दे क्या बताइए 16 पे रह जाए, वो बात की कहानी है। बिल्कुल, और कीमत इसकी? कीमत भाई जो भाई अपन खरीदेगा आज की तारीख का ये कच्ची का रेट है। हाँ जी, 1,30,000 रुपए में 800 किलोमीटर तक घर पहुंच हो जाएगी जी। ठीक है, 1,30,000 में 800 किलोमीटर फ्री ट्रांसपोर्ट। रेट हाँ या ना का रहेगा, सौदेबाजी कुछ नहीं, किसी मेरे भाई को मंदी लगती है वो खरीद ले, अगर किसी को महंगी लगती है वो न खरीदे। ठीक है, कीमत है जो फिक्स है। हाँ जी, और इससे आगे दूसरे नंबर पर जो ये भैंस है इसके बारे में? सेकंड टाइमर जोटी है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज बता दूं कि दूसरे वो यूट्यूब वाला सिस्टम तो है नहीं यहाँ पे। हाँ जी, कि भैंस के आरे लगा के वीडियो बना रखी है। ठीक है, पीछे लाओ कैमरा जरा दिखाता हूँ। ये वीडियो बनाने का तकरीबन 9 घंटे खींच से खाली होने के बाद 9 घंटे बाद की वीडियो है। ठीक, पूरी अभी बनना है जोटी ने। ऐसा नहीं है कि टाइम लगा के भैंसे पूरी पौसी हुई है, फंसी बड़ी है। हाँ जी, वो कहानी नहीं है, 9 घंटे बाद की वीडियो है ये। सेकंड टाइमर है, हाइट भाई बीच की है, ना ज्यादा बड़ी है ना छोटी है। ठीक है, ब्याई बिल्कुल ताजी है, खींच से खाली होने के बाद वापस बढ़ना शुरू हुई है। कितने दिन की होगी तकरीबन ब्याई हुई? 6 दिन की होगी शायद ब्याई। ठीक है, 6 दिन की ब्याई। और दूध कितना तक दे देगी? दूध भाई जो ओरिजिनल वो ही बताऊंगा, पहले ब्यांत किसान ने बताया 11 किलो दूध। ठीक है, 10-11 लीटर जो नॉर्मल सी सेवा से निकाला है। अब देखो दे देगी, उम्मीद तो यही है कि 13 लीटर दूध झूठी को निकाल देना चाहिए। और उसने के बाद थन थन बहुत ही ज्यादा बढ़िया बनाती है, पूरा मुट्ठी के साइज का थन बन जाता है। और नीचे से भी भाई अच्छी है, खींच से खाली होने के बाद ठीक बननी शुरू हुई है, बाकी इतनी की बनती है, ऐसे तो है नहीं कि पूरा फंस जाएगी 4-5 दिन। ये बच्चा भाई। ठीक है, ये वाला बच्चा है साथ। और कीमत? कीमत इसकी भाई हाँ या ना का रेट रहेगा 78,000 रुपये। ठीक है, 78,000 रुपये की घर पहुंच हो जाएगी 800 किलोमीटर तक, कम ज्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है, इससे आगे तीसरे नंबर पर जो ये भैंस दिखा रहे हैं इसके बारे में? ये थर्ड टाइमर है। ठीक है, फेस के ऊपर जचता हुआ सींग है भाई, ना ज्यादा बड़ा है ना छोटा है। ठीक है, साइज बीच का है, छोटा भी नहीं है बड़ा भी नहीं है, अडर क्वालिटी काफी अच्छी है, आगे के थनों पे भी अच्छा अडर है, पीछे भी अच्छा अडर है। बिल्कुल, ये देखिए पौसने के बाद ये थन इतना बढ़िया निकाल के लाती है पूरा मुट्ठी का, बहुत ही मजबूत पौस है भाई भैंस का। ठीक है, और बियाई कितने दिन की होगी? आज 12वां दिन है भाई बच्चा दिए इसे। ठीक है, 12 दिन की बियाई है। हाँ,
और कितना दूध है मौके पर? 13 लीटर दूध तैयारी का है हाल फिलहाल, एक टाइम नहीं 10 टाइम मिल्किंग कर लें। और फिर बता दूं, हाँ जी, कोई भी भैंस है टाइम किसी के ना कभी लगा के वीडियो बनाई गई है, अगर आप 2 घंटे लेट हो तो वो वीडियो कैंसिल हो सकती है, टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल। एक भी भैंस के थनों में डोके नहीं मिलेंगे, नॉर्मल सी भैंस ही मिलेगी जो भी है। सही है। और इसकी कीमत क्या कर रहे हो? इसकी कीमत 90,000 रुपए है, हाँ या ना का रेट रहेगा, 90,000 विद लोडिंग चार्ज। तीसरी बार बच्चा दिया है, बच्चा भाई वो अभी कट्टा कट्टी पीछे मेल का आप कटड़ा भाई, ठीक है ये आज 12 दिन का बच्चा ही है, नहीं कि 5 दिन का बता दिए, 12 का है तो 12 ही बताएंगे, ठीक है जी। और कीमत इसकी 90,000 रुपए, 800 किलोमीटर तक घर पहुंचे। दूध पिछले ब्यांत में 14 लीटर दूध बताया, 15 लीटर ये भैंस आराम से निकाल सकती है, पहुंचने के बाद थन बढ़िया वाला पूरा सॉलिड मजबूत थन बनाती है भाई। हाँ जी, इससे आगे जो ये भैंस दिखा रहे हो इसके बारे में बताएं डिटेल। सेकंड टाइमर जोटी है भाई, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले ही आई है, ठीक है, अभी की ताजी भी आई है, हाँ हो गए 20-25 मिनट बच्चा दिए, ठीक है। ये वाला बच्चा है, बड़ी है छोटी नहीं है, साफ सुथरी है, पीछे फीमेल काफ कटड़ी है, ठीक है, ताजा ही भी आई है अभी की, लगभग 15-20 मिनट पहले। हाँ जी, और जो थन है वो आप देखिए मुठिया थन है। और दूध ये कितना तक दे देगी जोटी? दूध भाई जो किसान ने बताया वही बता रहे हैं, पहले बयान में किसान ने बताया कि जो बच्चे को पिला के 13 लीटर दूध निकाला हुआ है जोटी का, ठीक है। और अभी दूसरी बार बच्चा दिया, अब देखो भाई 14 दे 15 दे 16 दे कितने दे वो मौके। और कीमत इसकी? कीमत भाई इसकी 1,00,000 रुपए है, 800 किलोमीटर तक घर पहुँचेगी, ठीक है, 1,00,000 में 800 किलोमीटर तक फ्री ट्रांसपोर्ट। हाँ जी, इससे आगे जो ये नीली रावी भैंस दिखा रहे हो इसके बारे में बताएं डिटेल्स। भाई प्योर नीली रावी है, नीली रावी में जो भी करेक्टर होने चाहिए हाँ वो सभी के सभी इसमें है, प्योर नीली रावी है। ब्यांत कौन सा है? ब्यांत तीसरा है, ठीक है। भैंस बहुत ज्यादा अच्छी है, जितनी तारीफ करे उतनी कम है, हाँ जी। पर मालिक माड़ा था भाई, सेवा नहीं की भैंस की अच्छे से, ठीक है। तीसरी बार बच्चा दिया है, एक चीज और दिखाऊं आपको मैं, हाँ जी। जो भी भैंसे हैं लोकल के एरिया से ही खरीदी हुई है, सभी का बैकग्राउंड हमें पता है, हाँ जी। ऐसे नहीं है कि कोई बाजार में से खरीद के लाई गई है, इसके कान पे टैग है, सर्च कर लो, ऐप आती है, मैं बता दूंगा सारी डिटेल इसकी मिल जाएगी भाई, ठीक है। बिल्कुल जो पाकिस्तान बॉर्डर पे खाजू वाला जो शहर बोला गांव बोल दो शहर बोल दो वहां से आई हुई है, और बहुत ही अच्छी ब्लड लाइन की भैंस है, प्योर नीली रावी। जो थनों का साइज है वो भी आप देख सकते हो, मुठिया थन, पूरा मुठ्ठी के साइज का थन है, हाइट बीच की है, नीचे अडर की पोजीशन भाई अच्छी है, ये नहीं है भाई अडर माड़ा है, बढ़िया अडर है भाई। बियाई कितने दिन की होगी? बियाई को आज इसे 5वां दिन हो गया भाई, ठीक है, 5 दिन की बियाई। और कितना के फिलहाल दूध तैयार है? फिलहाल होगा जी 9-10 लीटर तैयारी का है, ठीक है। और कीमत ये ऐसी है कि आज से कल बढ़ेगी, कल से परसों, अगर ये महीने की बियाई हुई तो कुछ और देगी, 1.5-2 महीने की बियाई हुई तो कुछ और देगी, ठीक है, क्योंकि इस भैंस में क्वालिटी ज्यादा है, खुराक कम मिली हुई है, जैसे जैसे शरीर में जान आनी है वैसे वैसे ही बढ़नी है भाई। इसमें एक चीज और बता दूं, हाँ जी, चुवाई बहुत ज्यादा नरम है। और कीमत क्या कर रही है इसकी? कीमत भाई इसकी मोल कुछ भी हो 80,000 रुपए में घर पहुंच होगी, 800 किलोमीटर तक के दायरे में, गाड़ी खुद की लेके आए तो 75,000 रुपए पे करने हैं भाई, ठीक है, 80,000 रुपए की 101 नंबर दूध। उम्मीद तो यही करके लाए कि जोटी अगर 1.5 महीना अच्छी सेवा होती है तो जोटी दूध दे देगी 14 लीटर भी, जोटी क्या है सॉरी भैंस है, काफी अच्छा ऑर्डर है, बिल्कुल पतली चमड़ी की भैंस है, प्योर नीली रावी ब्रीड की भाई। हाँ जी, इससे आगे जो ये जोटी दिखा रहे हो इसके बारे में बताएं डिटेल। सेकंड टाइमर जोटी है, दूसरी बार बियाई है, हाइट लेंथ छोटी नहीं है, हाइट लेंथ अच्छी है भाई, बढ़िया हाइट की है, बड़ी हाइट है, ज्यादा बड़ी भी नहीं है पर अच्छी हाइट है, छोटियों में गिनती नहीं होती, अडर क्वालिटी अच्छी है। कल दोपहर को ही बियाई है भाई, पीछे इसके फीमेल का भी यानी कि कटड़ी है, ठीक है, ताजा भी यही साथ में कटड़ी है, जो अडर है वो आप देखिए, हाइट अच्छी है, पीठ क्वालिटी काफी अच्छी है, चौड़ी पीठ क्वालिटी है और बिल्कुल नरम चुवाई की है। जो थनों का साइज है वो भी आप देख सकते हो, मुट्ठी के साइज का थन है। और फिर इसमें भी वही कहानी है भाई, दूध निकाला हुआ है, ये नहीं है कि कल की बेई है खीस में भरी छोड़ रखी है, ठीक है ठीक है। जो किसान ने दूध बताया कि पिछले ब्यांत में पहलन का इसका 11 लीटर दूध था, ठीक है। अब देखो भाई ये 11 देती, 12 देती, 13 देती, उम्मीद ये है कि 13 किलो दूध ये भैंस आराम से निकाल देगी। और कीमत क्या कर रही है इसकी? कीमत भाई इसकी 78,000 रुपए, 800 किलोमीटर तक घर पहुंचा है 78,000 रुपए में, गाड़ी खुद की ले जाए तो भाई मुझे 73,000 रुपए दे दें और भैंस ले जाए, ठीक है। और ये वाला बच्चा है साथ में, ये बच्चा है ओरिजिनल ही है सब, ये नहीं है कोई किसी तरह का फेक वीडियो है,
जो भी है एक ओरिजिनल बात बताई है, जो पीछे से किसान ने डिटेल दी है वही बताई गई है। ये नहीं है कल की ब्याई है 14 किलो खीस है 16 किलो दूध क्षमता है। हाँ जी, हाँ जी। ना वैसा काम अपने यहाँ होगा ना कभी हुआ है। बिल्कुल सही। जो भी भाई खरीदना चाहता है आओ आगे देखो, दो नहीं चार टाइम तसल्ली करो, अच्छी लगती है तो लेके जाओ, नहीं लगती है तो मत खरीदो भाई। सही बात है। बाकी एक सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है जो भाई खरीदना चाहता है सबसे बढ़िया रहेगा आके खरीदें। बिल्कुल जी। दो टाइम तीन टाइम अपनी मिल्किंग करके खरीदें। नया बंदा तो जो पहली बार ले रहा है भैंस तो खास तौर पे आए आगे देखे यहाँ का माहौल क्या सच्चाई है क्या झूठ है। बिल्कुल सही। देख के खरीदे, ऑनलाइन खरीदता है तो भाई यहाँ दो टाइम नहीं 10 टाइम मिल्किंग करवा देंगे। हाँ जी। घर की कोई गारंटी नहीं। मैं दो भैंस दिखा देता हूँ आपको। हाँ जी। जो की दो भैंसे बेची हुई थी यहाँ 4 दिन खड़ी रही जैसे ताजी गई, जो कस्टमर ने बोला कि 4 दिन बहने के 4 दिन बाद भेजना, उसी दौरान उनके थन में डिफेक्ट आ गया, वो भैंसे मैंने यहाँ रख ली, पेमेंट उनकी जो है वापस कर दी गई। ठीक है, यहाँ भैंसे खड़ी है अपने पास फिलहाल। हाँ मैं दिखाऊंगा आपको। और यही जो कंडीशन अगर किसी कस्टमर की घर पे हो जाती, हाँ जी, तो उसके हम कोई जिम्मेवार नहीं है। यहाँ अगर कोई 19-21 हो जाए तो भाई उसको रख ली जाएगी, उसके पैसे नहीं रखे जाएंगे किसी कस्टमर से। ठीक है। पहले तो ये देख पा रहे हो भाई। हाँ जी। ये भैंस बेची थी भाई 1 लाख रुपए की। ठीक है। इसके पीछे के थन में भाई 3 दिन थन चला, चौथे दिन थन में दिक्कत आ गई, ऊपर से रुकावट आ गई, दूध नीचे नहीं उतर रहा। ठीक है। तो ये भैंस यहाँ पे रख ली, पूरी की पूरी पेमेंट आई हुई थी, सारी की सारी वापस की भाई, यूपी सेल की थी ये। और कौन सी भैंस? और एक ये भाई, ये गुड़गांव बेची थी, ये भैंस 3 दिन खड़ी रही, चौथे दिन वीडियो कॉल पे दूध उन्होंने कहा कि लोड होने से पहले, जैसे पहले भी भैंस जा चुकी हैं, उस समय तो उन्होंने वीडियो कॉल भी नहीं करवाई, बट लोड होने से पहले उन्होंने कहा वीडियो कॉल करवाओ, तो भैंस ने पैर उठाया। ठीक है। अगले दिन उन्होंने कहा भी कल लोड कर देना, तो उसके थन में चेक किया भाई, थन में एक चिचड़ा आया, अगले दिन ऐसा कुछ हुआ कि पूरा सोजन आ गई और थन पूरा ब्लॉक हो गया। तो इसकी टोकन मनी आई हुई थी वो पूरी पूरी वापस हो गई भाई, पेमेंट लगवानी थी मना ही कर दिया। ठीक है। तो यही कहना है हरेक कस्टमर को कि जो पहली बार भैंस खरीद रहा है, बिल्कुल, वो तो आके ही खरीदे भाई, ऑनलाइन ना खरीदे। सही है। अगर कोई भाई पुराना है जो रूटीन में ले रहा है, जो मुझे इस एरिया का पता है, जिस बंदे जो मुझे जानता है, वो अगर ऑनलाइन खरीदना चाहता है तो वो भी भाई 2-3 टाइम अपनी तसल्ली करे, कहीं से भी खरीदो पशु, 2-3 टाइम दूध जरूर वीडियो कॉल पे तसल्ली करे, मिल्किंग करके। अगर नेटवर्क नहीं आ रहा है, किसी के नेटवर्क में प्रॉब्लम है, हाँ तो भाई वो भैंस में भी प्रॉब्लम है, मत खरीदना। सही बात है, सीधी सी बात है। यहाँ खरीदनी है 3 टाइम तसल्ली कर लेना, 4 कर लेना, घर की कोई गारंटी नहीं है। सही बात है। आज की हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।